तो अगर आप भी कैपकट से वीडियोज एडिट करना चाहते हो, वो भी अपने लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर, तो उसमें भी कैपकट को रन किया जा सकता है। और आपको पता होगा कैपकट बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत ही एडवांस फीचर्स कैपकट के अंदर हैं, और कैपकट के जरिए आप बहुत ही अच्छे लेवल की वीडियोज एडिट कर सकते हो। और अगर फ़ोन में भी यूज करते हो तो बहुत अच्छा वर्क करता है, और कंप्यूटर लैपटॉप में भी। इसके साथ साथ इसमें वाटरमार्क का भी कोई झंझट नहीं है और बहुत स्मूथली वर्क करता है। लेकिन ये इंडिया में बैन है, बट कुछ एक तरीके हैं जिसके ज़रिए आप इसको यहाँ पे भी रन करा सकते हो। कैसे रन कराओगे, कैसे चलेगा, वो सब कुछ पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको पता चलेगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले करना क्या है आपको कि कोई सा भी ब्राउज़र अपने कंप्यूटर लैपटॉप में ओपन कर लेना है, उसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। मैंने अपना लैपटॉप पे ओपन कर लिया है, सर्च बॉक्स में आऊँगा, लिखूँगा कैपकट फॉर पीसी। क्या लिखूँगा? कैपकट फॉर पीसी लिख करके सर्च करना, ठीक है। बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे, किसी पे भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है, किसी पे भी। ऐसे एक वेबसाइट मिल रही है, अप डाउन, ठीक है, इस पर मैं आ गया। अब इस पर आऊँगा मैं, इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करूँगा, ये कैपकट्स के सारे डिटेल्स हैं। इसके लिए डाउनलोड बटन कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मतलब जितने भी वेबसाइट्स मिलेंगी ना, आप किसी पे भी चले जाना, किसी पे से भी, मतलब कहीं से भी इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट द लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, यहाँ पे एक बार क्लिक करना आप, ठीक है। इसके बाद एड्स में भी आएंगे, इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। और अगर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से अगेन उस पर क्लिक करना, ठीक है। तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट है। कितना इसका साइज़ आप देखना, 525.03 MB, मतलब 550 MB की ये है। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको दिखेगा ये हमारा कैपकट डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो ये लगभग 550 MB इसमें डेटा लगेगा आपको डाउनलोड करने के लिए। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो फिर उसके बाद इसको इंस्टॉल करके हम आगे बढ़ेंगे। तो अब जो हमने डाउनलोड किया था कैपकट, पूरी तरीके से डाउनलोड हो गया, यहाँ पे दिख रहा है कि डाउनलोड हो गया। इस पर डबल क्लिक करना है, जैसे ही डाउनलोड हो उस पर डबल क्लिक करना है आप, ठीक है। तो जब उस पर डबल क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल नाउ, सिंपल से इस पर एक बार आपको क्लिक कर देना है। अब जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि इंस्टॉलिंग हो रही है, ठीक है, इंस्टॉलिंग हो रही है। ये 99% यहाँ पे हो चुका है, उसके बाद ये 100% होगा, फिर इसको आगे के स्टेप्स में देखेंगे। तो इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा स्टार्ट नाउ का, सिंपल से इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जब इस पर क्लिक करोगे तो हो सकता है यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखे टेस्टिंग एनवायरनमेंट का, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसकी नीड नहीं है। इसको इस तरीके से कट कर देना आप, ठीक है। इसको हमने कट कर दिया। अब कट जैसे ही करेंगे तो होगा क्या कि ऑटोमेटिक हमारा जो कैपकट है वो ओपन होगा। कैपकट ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना, ये पूरे सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे एडिटिंग के लिए हम इसमें अभी कुछ भी करेंगे, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे गॉट इट हमने कर दिया, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। सिंपल से स्टेप्स है, जब कैपकट ओपन होता है उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना होता है वीडियो एडिट करने के लिए, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ एक आपको स्टेप्स बताएगा, तो हम एग्जिट कर देंगे, डायरेक्ट एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना, और कोई भी वीडियो, जिस भी वीडियो को आपको एडिट करना है उस वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक ऐसे ही रैंडमली कोई वीडियो लेकर के यहाँ पे ऐड करके आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक वीडियो है, इस पर डबल क्लिक किया मैंने, ये वीडियो यहाँ पे आ गई। अगर इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ड्रैग करके नीचे भी ला दूँगा इस पर, ठीक है। स्पेस बार दबाऊँगा तो ये वीडियो प्ले भी होगी, ठीक है। ये वीडियो चल रही है, जैसे मैं स्पेस बार दबाऊँगा ये वीडियो चल रही है, मैंने पॉज कर दिया। यहाँ पे फिल्टर्स में जाऊँगा, कोई फिल्टर नहीं दिखेगा। ट्रांजिशन में जाऊँगा, कोई ट्रांजिशन नहीं दिखेगा। इफेक्ट में जाऊँगा, कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। मतलब ये जितने भी ऑप्शन हैं ना, ये वर्क ही नहीं करेंगे, कहीं पर आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये यहाँ पे इंडियन बैन है, तो इसको हमें रन कराने के लिए ये सारे फीचर्स हमें अगर चाहिए तो हमें क्या चाहिए? VPN चाहिए, ठीक है। कोई ना कोई एक VPN चाहिए जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वापस से हम क्रोम ब्राउज़र में आएंगे, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र में आ जाएंगे, यहाँ पे टैब में आ जाएंगे, यहाँ पे आपको VPN लेना है। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं प्रोटॉन VPN, कौन सा? प्रोटॉन, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपको खरीदना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी परचेज नहीं करना है, बस इस पर ID बनानी है। प्रोटॉन VPN पे हम आ गए, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड VPN फॉर विंडोज, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है, सिंपल से, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, ये है डाउनलोड प्रोटॉन VPN, इस पर मैंने क्लिक किया। ऐसे ही क्लिक करूँगा, ये देखिए डाउनलोड होना यहाँ पे शुरू हो गया। ये VPN का जो मेन फाइल है ये डाउनलोड हो रहा है। जब डाउनलोड हो जाएगा तो इसको हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। तो ये VPN डाउनलोड हो गया, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम इसका इंस्टॉलेशन आएगा, यहाँ पे यस पे आप क्लिक कर देना है। एक बार यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन है तो यहाँ पे देन ओके करना, ठीक है। ओके जब आप करोगे तो इस तरीके से आएगा, प्रोटॉन वगैरह लिखा आएगा। यहाँ पे सिंपल से नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे आप क्लिक करना, इंस्टॉल पे क्लिक करना, और ये VPN आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब ये इंस्टॉलेशन हो गई है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा डाउनलोड प्रोटॉन ड्राइव इंस्टॉलर। इसका एक ड्राइवर भी ऑटोमेटिक इंस्टॉल होता है, तो इसको भी इंस्टॉल हो जाने देना है।
प्रॉपर वे में कैपकट यूज़ करना होता है तो ये करना होगा। यानी कि जब भी आप कैपकट यूज़ करोगे लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट रहना चाहिए, VPN आपका ओपन रहना चाहिए, उसके बाद कैपकट ओपन करो, वीडियो एडिट करो, एक्सपोर्ट करो। समझ में आ गई बात, ऐसे ही वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और इसको ही प्रॉपर वे में मतलब प्रोटॉन का जो ड्राइव है इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना। अब फिनिश पे जैसे ही क्लिक करोगे हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट कर लिया हमने। ये इस तरीके से प्रोटॉन ड्राइव ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ। अभी ये प्रोटॉन VPN लिखा हुआ है, इस पे मैं डबल क्लिक करके प्रोटॉन VPN को ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे ये जैसे ओपन करोगे तो ये डिसकनेक्ट रहेगा। मैं अभी दिखाता हूँ, इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पे क्विक कनेक्ट का ऑप्शन रहेगा, सिर्फ इस पे एक बार आपको क्लिक कर देना और कुछ भी नहीं करना है। इस पे आप एक बार क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक इसको इसमें मतलब ये किसी ना किसी सर्वर से इसको कनेक्ट कर देगा। उसके बाद जैसे ही ये कनेक्टिविटी पूरी होगी उसके बाद आप कैपकट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कनेक्टिंग हो रही है। देखिए ये कनेक्ट हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज़ कर देना है, बस बात खत्म हो गई। अब फिर से हमने कैपकट को बंद कर दिया। यहाँ से कैपकट को पूरी तरीके से मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ, कैपकट बंद कर देता हूँ। ठीक है, कैपकट बंद हो गया। अब फिर से यहाँ पे कैपकट का शॉर्टकट है, इस पर डबल क्लिक करूँगा और कैपकट को अपने कंप्यूटर में ओपन कर लूँगा। ये सारे सेटअप वन टाइम के हैं, एक बार आपने सेटअप कर लिया उसके बाद नॉर्मल सी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हो सकता है फिर से ओपन करोगे ये टेस्टिंग एनवायरनमेंट करेगा, तो जरूरी नहीं इसको रन करने दें। यहाँ पे कट पर क्लिक कर दोगे, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये कैपकट ओपन हो गया, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, पूरे स्क्रीन पे मैंने इसको कर लिया है। अब देखिए सिंपल से स्टेप्स, वीडियो एडिट करना है, कैपकट ओपन कर लिया, VPN वगैरह कनेक्ट करके यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन है इस पे एक बार आपको क्लिक करना है। ठीक है, सिंगल क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे। उसके बाद इसका मेन जहाँ पे लेयर होते हैं सारे, जहाँ पे एडिट करना है वीडियो, वो इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पे हमें फाइल इंपोर्ट करना है और फाइल इंपोर्ट करके उसका जो मेन व्यू होगा वो हमें यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे उससे रिलेटेड डिटेल्स। तो आपको क्या करना है, कोई भी वीडियो अपने कंप्यूटर लैपटॉप में कहीं रखिए, उस पर डबल क्लिक करना, इंपोर्ट पर क्लिक करना, आपकी फाइल्स ओपन हो जाएगी। अब जहाँ कहीं भी आपने रखा है वहाँ से आपको अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है, मतलब उस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास वीडियोज़ हैं, मैं इनमें से कोई एक वीडियो अपने सेलेक्ट कर लेता हूँ, बस आपको बताने के लिए कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है। जैसे मेरे पास ये एक वीडियो है, ठीक है, इस पे मैंने डबल क्लिक किया। जैसे ही डबल क्लिक करूँगा ये वीडियो आ गई। अब मान लीजिए आपको इसमें एक से ज़्यादा वीडियो चाहिए, तो इसी पे डबल क्लिक करके आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे ही डबल क्लिक करोगे या फिर इंपोर्ट का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करोगे तो फिर से फाइल्स ओपन हो जाएंगी। अब मान लीजिए ये भी वीडियो चाहिए तो शिफ्ट दबा के इसको वन बाई वन करके सेलेक्ट कर लेना, देन ओपन पे क्लिक करना, तो आप देखोगे कि मतलब सारी वीडियो जाएगी। तो अब मान लीजिए ये वीडियो मुझे एडिट करनी है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना, वो ऑटोमेटिक नीचे लेयर पे आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे ये यहाँ पे आ गई, वीडियो यहाँ पे आ गई। और अगर आपने लैपटॉप कंप्यूटर पे स्पेस बार दबाओगे, स्पेस बार जैसे ही दबाओगे ये वीडियो चलने लगेगी, मतलब वीडियो आपको प्ले होकर के दिखाई देगी। ठीक है, जैसे मैं प्ले करूँगा तो ये वीडियो आपको चलते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पे इस वीडियो से रिलेटेड सारी डिटेल्स, ऑडियो स्पीड, एनिमेशन सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब ये तो हमने वीडियो ले लिया, अब देखिए यहाँ पे मीडिया है, तो यहाँ पे हम जो भी इमेज पिक्चर्स या फिर ऑडियो जो भी है यहाँ से ऐड करके हम एडिट करेंगे। दूसरा ऑप्शन है ऑडियो, यानी कि बहुत सारे इसमें भी आपको ऑडियो मिलेंगे, मतलब कि कैपकट के तरफ से भी म्यूजिक मिलेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यूट्यूब का जो ऑडियो लाइब्रेरी है उसकी ही बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करना ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये सारे इतने सारे हैं, आपको जो चाहिए यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, इस पे क्लिक करना, ये डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप इसको यूज कर सकते हो। क्योंकि देखिए मैं VPN जब तक मैंने कनेक्ट नहीं किया था वैसे ही ओपन किया था, तो इनमें से कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन ऑडियो में है तो ये ऑडियो आ गया। अब देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन है, तो टेक्स्ट में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे डिजाइंस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिजाइंस होते हैं। डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा था हमें उस टाइम। अब अगर मैं प्रीसेट्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, या फिर AI जनरेटेड है, ऑटो कैप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो आप क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है इफेक्ट का, इफेक्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो बहुत सारे टेक्स्ट अलग अलग टाइप्स के दिखेंगे। क्योंकि देखिए ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, हमने अभी अभी ओपन किया है, तो हर एक चीज़ है अवेलेबल, सबको एक बार डाउनलोड कर लेना है, एक बार का काम है, उसके बाद बार बार आप यूज कर सकते हो। ये जो प्रीव्यू अभी नहीं दिख रहा है तो इस पर हम क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होगा। थोड़ा सा कभी कभी ग्लिच आता है स्टार्टिंग में, बस एक बार, उसके बाद ये स्मूथली रन करने लगेगा। तो यहाँ पर टेक्स्ट भी है, समझ में आ गई बात। फिर देखिए यहाँ पे स्टिकर्स पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे यहाँ पे स्टिकर्स आपको देखने को मिलेंगे, आपके वीडियोज़ के अकॉर्डिंग जैसे भी स्टिकर्स आपको चाहिए, इमोजी चाहिए, सब यहाँ पे दिखेंगे। तो उनको आपको डाउनलोड करके यूज़ करना है। जैसे देखिए इसमें इमोजी है, किसी पे भी क्लिक किया मैंने, ये डाउनलोड हो जाएगा, इस पे मैं क्लिक करूँगा ये डाउनलोड होगा, और इसको आप अपने वीडियोज़ में यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इफेक्ट पे अगर आप आते हो
तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट्स हैं, और इफेक्ट्स कैपकट की जान है। मतलब कैपकट को बहुत ही ज़्यादा अलग बनाता है उसके इफेक्ट्स, अलग अलग टाइप्स के इफेक्ट। तो जो भी इफेक्ट पसंद है उस पर डाउनलोड करो, यहाँ पे क्लिक करो, डाउनलोड करो, क्लिक करो, डाउनलोड करो, और उसको अपने वीडियोज में यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए टेक्स्ट, यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं, तो ट्रांजिशन इफेक्ट्स भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के आपको मिलेंगे। तो बस आपको देखना है, पसंद करना है, समझना है, और उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, उसको यूज कर सकते हो। फिर उसी तरीके से यहाँ पे फिल्टर का भी ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब अपने वीडियोज़ पे अगर आप फिल्टर्स लगाना चाहते हो तो वो भी यहीं पे आपको मिल जाएंगे, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें कैपकट के अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये जैसे ये फ़िल्टर मुझे चाहिए डाउनलोड कर लूँगा, ये फ़िल्टर चाहिए डाउनलोड कर लूँगा, ये चाहिए डाउनलोड कर लूँगा, जो भी मुझे चाहिए उस पर क्लिक करके मैं उसको डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट में क्या है कि आप कलर करेक्शंस वगैरह कर सकते हो, लट्स ऐड कर सकते हो, प्रीसेट्स में जा करके अगर प्रीसेट्स है तो उसको ऐड कर सकते हो, या फिर कस्टमाइज एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो यहाँ पे कैसे लेना है मैंने बता दिया, यहाँ पे मीडिया पे आकर के हम वीडियोज ऐड कर सकते हैं, वीडियो हमने ऐड कर लिया। अब ये जो वीडियो है इसको हम मान लीजिए ये जो हमारी वीडियो, तो इस टाइमलाइन को अगर पकड़ के हम ऐसे स्पेस बार दबाओगे तो ये वीडियो प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है इसको क्लिक करके डबल क्लिक करके इधर लाएंगे, हमने ला दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा, जैसे मैं स्पेस बार दबाऊंगा वीडियो हमारी चल रही है, आवाज़ भी आपको सुनाई देगी, मैंने आवाज़ भी कम करके रखा है, अब आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। अब प्ले करूंगा तो ये आवाज़ आपको सुनाई देगी, जो भी होगा वीडियो चल रही है। अब जैसे वीडियो चल रही है हमारी, वीडियो में कहीं पे भी कुछ गलत है। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे ये जो ये टाइमलाइन दिख रहा है ये छोटा है, इसको बड़ा करना है तो यहाँ पे ये प्लस पे क्लिक करोगे, ये टाइमलाइन देखिए बड़ा होता जाएगा, ताकि वीडियो में हर एक चीज़ आपको डिटेल में दिखाई देगी। तो मैं प्ले कर रहा हूँ, हमारी वीडियो चल रही है। अब मान लीजिए यहाँ पे वीडियो में कोई बात गलत है, कुछ गलत है, इसको कट करना है, वीडियो को इस तरीके सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। क्लिक करने के बाद स्प्लिट का एक ऑप्शन दिखेगा, स्प्लिट पर क्लिक करना या फिर डायरेक्ट बी प्रेस करना। जैसे मैं सेलेक्ट करके रखा हुआ है, मैंने कीबोर्ड पे बी प्रेस किया, बी प्रेस जैसे ही करोगे ये इस तरीके से लाइन आएगा, यहाँ जहाँ पे कट करना है वहाँ पे रखो और एक बार क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करोगे कट जाएगा। अब फिर से वीडियो को मैंने प्ले किया, अब मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा गलत था, फिर यहाँ पे पॉज करूँगा और फिर यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, इस तरीके से एक बार टैप करूँगा, कट गया, कट गया। तो बी हमने सेलेक्ट कर रखा था, अब फिर से हमें कर्सर चाहिए अपना, तो ए प्रेस करना, कर्सर आ जाएगा वापस से, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे देन डिलीट का बटन दबा देना अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर, वो हिस्सा डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपने वीडियो के किसी भी पार्ट को ट्रिम कर लेना, जहाँ पर भी कोई भी गलत हिस्सा दिखे उसको आपको रॉन्ग पार्ट को कट करके वीडियो को फ्रेश कर लेना है। अब वीडियो को फ्रेश कर ले हुए, अब जैसे वीडियो को आपने प्ले किया, हमारी वीडियो चली, मान लीजिए कट वगैरह करके सब कुछ ठीक कर लिया आपने, अब वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इंपोर्ट का ऑप्शन है, इंपोर्ट पे क्लिक करके अगर आपने यूट्यूब का ऑडियो लाइब्रेरी कहीं पे डाउनलोड करके रखा हुआ है तो वहाँ से भी आप मतलब यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या फिर इसमें भी जो ऑडियो है इसको में से भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट आप यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी वाले ही यूज करना। अब जैसे एक ये है रॉक एंड रोल, इस पर मैं क्लिक करके डाउनलोड करके इसको बस यूज करके दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ एक्चुअली में कैपकट पे कैसे वर्क करना है। और ये तो बैकग्राउंड म्यूजिक है ही ऑडियो फाइल में, इसके अलावा यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट्स भी मिलेंगे। देखिए यहाँ पे साउंड इफेक्ट वाले मैं टैब में जाऊँगा तो अलग अलग टाइप्स के साउंड इफेक्ट भी आपको मिलेंगे। तो साउंड इफेक्ट तो आप आसानी से यूज कर सकते हो, और अगर चाहिए आपको स्पेसिफिक साउंड इफेक्ट तो यहाँ पे सर्च करते हैं। जैसे सर्च बॉक्स में मैं आया, यहाँ पे टाइप करता हूँ मान लीजिए कैमरा, ठीक है, मैंने टाइप किया कैमरा, सर्च करता हूँ, कैमरे से रिलेटेड जो भी साउंड इफेक्ट्स होंगे, कैमरे के शटर के साउंड इफेक्ट्स होंगे तो वो यहाँ पे मुझे ये शो करेगा, ठीक है। क्लिक करके प्ले करके आप इसको सुन सकते हो। जैसे मैंने इसको डबल टैप किया है डाउनलोड करने के लिए, इसका साउंड समझ में आया, इस पर क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से डबल टैप कर करके उनको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गई बात। हम आगे म्यूजिक पे, अब यहाँ पे ये बैकग्राउंड म्यूजिक मान लीजिए मैंने डाउनलोड कर लिया, इस पर इस तरीके से ड्रैग करके इसके खींच करके यहाँ पे ला करके हम छोड़ देंगे, ठीक है। ये लग गया, यहाँ पे प्ले करूँगा तो आपको सुनाई देगा, ठीक है। इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो ये जब सिलेक्ट रहेगा और यहाँ पे इसकी बेसिक्स में आओगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये वॉल्यूम दिखेगा। इस वॉल्यूम को इस तरीके से ड्रैग करके हम कम करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, कम कर देंगे हम। अब प्ले करता हूँ, ठीक है, तो आपको देख लेना है कितने वॉल्यूम पर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है, उतना ही वॉल्यूम यहाँ पर रखना है, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, ठीक है, और इसमें क्या करना है आपको, ये फेड इन कर देना है और फेड आउट कर देना थोड़ा थोड़ा, ताकि वीडियोज में जो आपका बैकग्राउंड म्यूजिक है कम होकर के ऐड हो और स्लो होकर ख़त्म हो। और लाउडनेस नॉर्मलाइज अगर आप करते हो तो ये ऑटोमेटिक साउंड को नॉर्मलाइज करके उसके अकॉर्डिंग बैकग्राउंड म्यूजिक एडजस्ट करता है। तो बहुत सारे ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है,
और यहाँ पे क्लिक करोगे तो वॉइस चेंजर भी मिलेगा। इसके वॉइस को आप चेंज भी कर सकते हो जिस भी तरीके से करना है, बिग हाउस, हाई, इलेक्ट्रो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्पीड पे आओगे तो स्पीड भी घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो हमने मान लीजिए एक तरीके से बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लिया, ठीक है। अब देखते हैं पूरी वीडियो में अप्लाई हुई है कि नहीं। यहाँ पे माइनस पे क्लिक करोगे तो ये सारा दिखेगा, ठीक है। तो हमें पूरी वीडियो में पूरी वीडियो हमारी तो ये इतनी ही है, तो ये एक्स्ट्रा जो पार्ट है इसको सिलेक्ट करोगे, क्या करना, बी प्रेस करना है, यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट करके कट करना, कट कर दिया हमने। अब ए प्रेस करना, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना, देन डिलीट, समझ में आ गई बात। फिर इस पर क्लिक करके इसको, इस लेयर को बड़ा कर लेना, टाइमलाइन को बड़ा कर लेना, ठीक है। अब इस पर क्लिक करके इसको आप चाहो तो एकदम से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ सकते हो। अब हमने वीडियो प्ले किया, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह लगा लिया। अब जैसे ही वीडियो प्ले हुई, हमें लगता है यहाँ पे हमें कुछ लिखना है, अपनी वीडियो में टेक्स्ट लगाना है, यहाँ पे हम रुकेंगे, टेक्स्ट वाले पार्ट में आएंगे। अब इतने सारे टेक्स्ट के अलग अलग ऑप्शन हैं, जो भी आपको पसंद आ रहा है, जो भी, उसको क्लिक करो, डाउनलोड करो। एक बार क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा, फिर इसको अगेन एंड अगेन अपनी वीडियो में कितनी ही बार आप चाहो यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं इस पर डबल टैप कर करके इनको डाउनलोड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एक है टेक्स्ट टेम्पलेट का ऑप्शन मिलेगा आपको, इसमें है फिर से ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट डिफॉल्ट में ऐड कर सकते हो। ऑटो कैप्शन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम इफेक्ट्स वाले में आ गए हैं। अब मान लीजिए ये टेक्स्ट है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे इसको ला करके रखूँगा, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट है, इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो आप, और यहाँ पे स्पेस बार से मिटाओगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखा हुआ, यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे एक बार आपको क्लिक करना है, मिटा देना है, और मिटाने के बाद आपको जो कुछ लिखना है वो आप लिख सकते हो। जैसे मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ निशांत 1, ठीक है, निशांत 1 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे देखना ऊपर में, यहाँ पे फॉन्ट साइज का, यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज आपको बढ़ाना है तो इस तरीके से घटा बढ़ा सकते हो, जितना भी मर्जी करे उतनी बड़ी बढ़ा लो। इसके बाद यहाँ पे फॉन्ट का मतलब जो फॉन्ट होते हैं उनको भी चेंज कर सकते हो, अलग अलग फॉन्ट्स के स्टाइल्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे देखिए कितने सारे फॉन्ट्स के स्टाइल्स हैं यहाँ पे, जो भी आपको पसंद है उस पर क्लिक करना, वो डाउनलोड होगा और सेट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको पसंद है उसको आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद इधर बाहर क्लिक कर देना, ठीक है। फॉन्ट साइज हो गया, यहाँ पे बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, इसको इटैलिक भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो इसके कलर भी चेंज कर सकते हो आप, तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो प्रीसेट्स स्टाइल भी इसके अलग अलग दिए गए हैं, ये ब्लैक है, ये इस तरीके का है, या फिर नन करके सिलेक्ट करेंगे। तो आपको जिस भी तरीके से आपकी मर्जी आप अपने टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हो, समझ में आ रही बात। टेक्स्ट को डिजाइन करने के ये सारे तरीके हैं, ठीक है। अगर आप, ये है ग्लो है, अगर आप चाहो तो इस पर क्लिक करके इसका बैकग्राउंड भी लगा सकते हो, अगर आपकी मर्जी है तो, मैं नहीं लगाऊंगा। और यहाँ पे जैसे ही मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें ग्लो का ऑप्शन है, ग्लो पे क्लिक करोगे तो ये ग्लो करेगा, ठीक है। तो अगर आपको पसंद है तो आप लगाओ, वरना रहने दो। तो टेक्स्ट को बहुत तरीके से डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बबल पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे बबल्स हैं, मतलब कि इस टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है इस पर बबल्स के इफेक्ट लगेंगे। जैसे देखिए इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड जैसे ही करूँगा इनमें से किसी को भी तो वो अप्लाई होगा, तब समझ में आएगा। इसको जैसे इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए टेक्स्ट को का डिज़ाइन बदल गया, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा हो गया, तो हम नन रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट्स पे अगर आप आओगे तो इसी टेक्स्ट पे इफेक्ट्स को भी अप्लाई करने के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। जैसे देखिए अब ये एक ऑप्शन है, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसका इफेक्ट अप्लाई होगा, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा, ठीक है, इस पर डाउनलोड करके इसको भी लगा सकते हो, ठीक है। तो हम नन रखेंगे, तो ये सारी हो गई। उसके बाद एनिमेशन का ऑप्शन है, तो बहुत सारे एनिमेशन है, इन आउट लूप, मतलब लूप का मतलब हो गया वो एनिमेशन हमेशा टेक्स्ट पे दिखेगा, और इन मतलब ये टाइपराइटर है, मतलब किस तरीके से लिख करके ये टेक्स्ट आपके वीडियो में ऐड होगा, ये टाइप का ऑप्शन है, तो ये कैसे आपके वीडियो में आएगा, ठीक है, जो भी एनिमेशन लगाना है आप लगा लो। उसके बाद ट्रैकिंग का ऑप्शन आएगा एक, तो अगर आपको चाहिए तो किसी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना तो ये उसको मोशन ट्रैकिंग करेगा, ये अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। टेक्स्ट टू स्पीच का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक ऑप्शन है, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा, ठीक है, तो किस तरीके से चीज़ें हम बोल रहे हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग रीडिंग पे क्लिक करोगे तो ये स्टार्ट रीडिंग भी, मतलब रीडिंग भी करेगा। अप्लाई टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन है, तो मतलब मल्टीपल्स ऑप्शंस हैं इसके अंदर, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने बोला था वो आ गया, ठीक है, निशांत 1 मैंने टेक्स्ट में लिखा था ना, अब देखिए ये बोल करके सुनाएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट टू स्पीच भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप टेक्स्ट को लिख करके वो कर सकते हो, इसके वॉइस को भी चेंज कर सकते हो, इन्हेंस कर सकते हो, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को, इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ कहाँ पे, इस पे, यहाँ से, यहाँ पे जहाँ से टेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है, पहले इस पे क्लिक करना,
इसको इस तरीके से छोटा या बड़ा कर लेना जिस तरीके से मन मर्जी हो, और इसको जहाँ पे भी मन करे वहाँ पे रख लेना। मैंने इसको यहाँ पे सेंटर पे रखा, ठीक है। और ये जो टाइमलाइन है हमारा, इसको यहाँ पे रहेंगे, जहाँ से हमारे टेक्स्ट का एंटर हो रहा है यहाँ से हमारा टेक्स्ट एंटर हो रहा है, यहाँ पे हम आएंगे, यहीं पे रहने देंगे। उसके बाद ऑडियो पे आएंगे, ऑडियो पे आ गए हम, यहाँ पे कहाँ आएंगे, साउंड इफेक्ट्स में। और साउंड इफेक्ट्स, टेक्स्ट आने के बाद साउंड इफेक्ट्स होता है टेक्स्ट के साथ, तो इसमें आप लगा सकते हो कैमरे से रिलेटेड या फिर माउस के जो क्लिक्स होते हैं उससे रिलेटेड। इसमें यहाँ पे सर्च में आता हूँ, लिखता हूँ माउस क्लिक, माउस क्लिक लिख करके मैंने सर्च किया, ठीक है। अब माउस क्लिक से रिलेटेड इसमें हैं साउंड इफेक्ट्स, देखिए डाउनलोड करूँगा मैं, तुरंत डाउनलोड हो जाएगा और किसी को भी मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए इसको प्ले करता हूँ, ठीक है। तो इस पर डबल टैप करके ड्रैग करके नीचे लाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ला करके इसको छोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं प्ले करता हूँ वीडियो, यही टेक्स्ट कैसे आएगा आपकी वीडियो में देखना, ठीक है। फिर से एक बार प्ले करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो आप देखते हो कि बहुत सारे लोगों के वीडियोज में जो टेक्स्ट वगैरह आते हैं या फिर कोई पिक्चर आता है तो एक साउंड इफेक्ट के साथ आता है। तो ये टेक्स्ट इस तरीके से आया, अब हमारी वीडियो आगे चल रही है। अब जहाँ कहीं भी आपको टेक्स्ट लगाना हो वहाँ पर इस तरीके से पॉज करना, स्पेस बार दबा करके वहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर देना, ठीक है। टेक्स्ट के अलावा जहाँ कहीं भी मान लीजिए कोई स्टिकर्स ही आपको ऐड करने हो, स्टिकर का ये जो ऑप्शन है ना, स्टिकर पे आप आ जाना, यहाँ पे स्टिकर सेलेक्ट कर लेना, स्टिकर वाले सेक्शन में आ जाना। यहाँ पे आइकन्स हैं, ब्लॉग्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं। यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखना साइड में कितने सारे ऑप्शन है, पेट, बास्केटबॉल, फैशन, सॉकर, फॉल, जनरल, इको फ्रेंडली। तो आपको जिस भी तरह के स्टिकर्स पसंद है, रिक्वायरमेंट है, तो वो आप लगा सकते हो। इसे देखिए मैं ब्लॉग के फाइल में आया हूँ, तो ब्लॉग में किस तरीके के ये स्टिकर्स दे रहे हैं उसको मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। सिंपल से बात है, इस पर डबल क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, बस एक बार वन टाइम डाउनलोड करना है, उसके बाद कितनी ही बार इनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये सब्सक्राइब ना हुआ आ गया, ठीक है। मान लीजिए सब्सक्राइब ना हुआ, आपको बोलना स्टिकर्स वगैरह ग्रीन स्क्रीन के लोअर थर्ड लगाने होते हैं, वो भी लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मिला हुआ है, इनमें से जो भी आपको अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, उसको सिलेक्ट करो। जैसे इसको मैंने डबल टैप किया, यहाँ पर ला करके इसको छोड़ दूंगा, ये लग गया। इस पर क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना, सेलेक्ट करके इस तरीके से करना, इसको ड्रैग करके छोटा करना थोड़ा सा, ठीक है। इसको सेलेक्ट करना, इसको यहाँ बीच में जहाँ मन मर्जी कर लगा देना, जैसे मैंने इसको यहाँ पे साइड में लगा दिया, ठीक है। अब इस पर प्ले करके देखोगे तो इसमें कोई एनिमेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एनिमेशन पे आएंगे और कोई सा भी एक अच्छा सा एनिमेशन इस पर लगा देंगे, बाउंस का, स्प्रिंग का, फेंडिंग। जैसे मैंने बाउंस पे क्लिक किया, देखते हैं बाउंस में कैसा आता है, नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, हाँ। तो ये हमने मान लीजिए लगा दिया, बहुत सारे हैं, कोई भी लगा लेना। तो अब प्ले करेंगे तो हमारा सब्सक्राइबर बटन भी यहाँ पे लग चुका है, और ये फिर एक टाइम के बाद हट भी जाएगा। अब एक और बात और बताऊँ, टेक्स्ट हो या इमेज हो, कुछ भी हो, जैसे ये टेक्स्ट हमने लगाया था, अगर ये टेक्स्ट आपको वीडियो में बहुत आगे तक चाहिए तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, इसको ड्रैग करके इस तरीके से खींचोगे तो जहाँ तक खींचोगे ये टेक्स्ट वहाँ तक आपकी वीडियो में आएगा, समझ में आएगी बात। अब वीडियो हमारी आगे बढ़ रही है। अब मान लीजिए इसी वीडियो में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कहीं पर कोई पिक्चर, कोई इमेज लगानी हो, तब क्या करेंगे, तो जहाँ पर भी इमेज पिक्चर लगानी हो, वीडियो को पॉज करना, मीडिया पे यहाँ पे आना, और अपने कंप्यूटर लैपटॉप में ऑलरेडी वो पिक्चर डाउनलोड करके रखना पहले से, जो भी यूज करना है। डबल टैप यहाँ पे इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना, आपके कंप्यूटर्स के फाइल ओपन हो जाएंगे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे डाउनलोड वाले टैब में आता हूँ, मैं देखता हूँ जैसे कोई पिक्चर अगर मुझे यूज करनी हो, और वो अगर उस टाइप जैसे ये पिक्चर है, इमेज है, इस पर मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, ये इमेज आ गई। अब ये मुझे यहीं पे वीडियो में लगानी थी, इस पर डबल टैप करूँगा, ड्रैग करूँगा, यहाँ पे लगा ला करके छोड़ दूँगा, ये यहाँ पे आ गया। इसको सिलेक्ट करूँगा, इस तरीके से सिलेक्ट किया मैंने इसको, और इस तरीके से ड्रैग करके छोटा कर लूँगा। अब ये मुझे अपनी वीडियो में जहाँ भी चाहिए वहाँ पे इसको लगा लूँगा, इसे यहाँ पे चाहिए। उसके बाद क्या करूँगा, एनिमेशन पे आऊँगा, कोई एनिमेशन इस पर लगा लूँगा, ठीक है। जैसे ये जूम इन लगा लिया मैंने, मान लीजिए फेड इन लगा लिया। अब इसके बाद क्या करोगे, इस पर भी एक साउंड इफेक्ट लगा देना, मतलब जैसे कोई टेक्स्ट आता है ना उसी तरीके से कोई इमेज भी आए तो एक साउंड इफेक्ट, जैसे मैंने जो लगाया था माउस का, उसी को क्लिक करके डबल क्लिक करके यहाँ पे नीचे लाऊंगा, ड्रैग करके और यहाँ पे ला करके छोड़ दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लग गया, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना आप, साउंड इफेक्ट जब भी लगाओ जहाँ से इमेज शुरू हो रही है एकदम जस्ट उसके पास से ही रहना चाहिए, ठीक है। कर दिया मैंने, अब देखिए प्ले करता हूँ तो देखना आप, ये इमेज आई टेक्स्ट के साउंड इफेक्ट के साथ ही, तो कितना अच्छा लगा। तो इसी तरीके से कहीं पे भी इमेज वगैरह ऐड कर देना, वीडियो आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। वीडियो हमारी चल रही है, सब कुछ हम कर रहे हैं, यहाँ पे टैप करके हम ऊपर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलेगा इफेक्ट्स का, इफेक्ट्स पे आप आओगे तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं वीडियोज़ के अंदर, बहुत सारे मल्टीपल्स इफेक्ट्स हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के इफेक्ट्स की नीड है, जैसे एक है इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो देखना ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब इस वीडियो की जगह कोई पर्सन का, कोई ह्यूमन का
और रहता है यहाँ पे, तो वो दिखाई देता है। जैसे ये जर्क शेक का था तो ये काम कर रहा है। जैसे एक ये है स्मार्ट शार्पन, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो वो इफेक्ट इस वीडियो में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए अप्लाई हो गया। अब जैसे एक देखिए लाइट एंड क्रैक है, मतलब बिजली चमक रही है, और वो यहाँ पे अगर इफेक्ट आपको अप्लाई करना है तो वो भी आप लगा सकते हो। कैसे लगाओगे मैं बताता हूँ। ये है हॉरिजॉन्टल ओपन, तो इसको अगर मैं इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ, छोड़ दिया मैंने। अब अगर मैं वीडियो प्ले करूँगा तो देखना आप, ये इफेक्ट ऑटोमेटिक अप्लाई हुआ, इस तरीके से आगे निकल गई हमारी वीडियो। और ये इफेक्ट ज़्यादा दूर तक चाहिए तो पता है आपको, इस तरीके से ड्रैग कर देंगे, इस तरीके से इसको डबल टैप करके इसको खींच देंगे, जितनी दूर तक खींचेंगे ये उतनी दूर तक अप्लाई हो सकता है आपकी वीडियो में। अब मैं प्ले करता हूँ तो ये देखिए, ये इस तरीके से स्लोली आपकी वीडियो में ओपन हो रहा है। समझ में आ गई बात। अब दूसरी चीज़ आ गई। अब इसके अलावा जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, इसमें इतने सारे इफेक्ट्स हैं, तो अगर आप चाहो तो कोई किसी भी इफेक्ट को पूरी की पूरी वीडियो पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये एक इफेक्ट है, लेक है, इस पर मैं क्लिक करके इसको डाउनलोड करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे करना होता है। जैसे ये इफेक्ट हो गया है, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो वीडियो में दिख रही है। अब इसको मैं ड्रैग करके खींच करके यहाँ पे इस वीडियो के ऊपर ला करके छोड़ूंगा तो ये पूरी वीडियो पे अप्लाई हो जाएगा, पूरी वीडियो पे ये लग गया। अब मैं प्ले करूँगा तो देखना आप, ये पूरी वीडियो में लगा हुआ है। तो हमें पूरी वीडियो में नहीं चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, अंडू हो जाएगा। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से खींच करके लाऊँगा, यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है यहाँ पे। अब देखिए अभी मैं वीडियो को प्ले करूँगा तो ये इफेक्ट आ गया। तो ज़रूरत है तो आप इस इफेक्ट को लगा सकते हो। ठीक है, हम वीडियो में आगे बढ़ गए। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैं सर्च बॉक्स में आया, मुझे ग्लीच वाला चाहिए, तो मैं टाइप करूँगा GLITCH, एंटर। अगर ग्लीच इफेक्ट्स होंगे इस कैपकट के अंदर तो वो मुझे यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, इतने सारे देखिए ग्लीच के भी आ गए, ग्लीच, कलर ग्लीच, ठीक है, कलर ग्लीच, बहुत सारे अलग अलग आ गए। तो जिस पे चाहिए आपको डाउनलोड करो, इफेक्ट्स के नाम याद है तो सर्च करो और उसको अपने वीडियो में अप्लाई करो। सिंपल से स्टेप्स हैं, और उससे रिलेटेड जो भी एडवांस लेवल की चीज़ें आपको करनी है तो उसके सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी। इसके बाद नेक्स्ट आएगा ट्रांजिशन इफेक्ट। तो देखिए ट्रांजिशन इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि मैंने ये वीडियो प्ले करी, वीडियो चल रही है, अब इस वीडियो में से किसी दूसरे वीडियो में हम एंटर कर रहे हैं, या फिर इस ये वीडियो जैसे यहाँ पे सिलेक्ट है, यहाँ पे कट हुई है, तो जहाँ पे भी वीडियो का कट पार्ट रहता है वहीं पे ट्रांजिशन इफेक्ट लगाते हैं। जैसे मैंने बी प्रेस किया और यहाँ पे वीडियो को कट कर दिया, ठीक है। अब फिर से ए प्रेस कर लेता हूँ कीबोर्ड पे, अब क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने अभी कट किया था, तो यहीं पे मैं ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकता हूँ। तो ट्रांजिशन इफेक्ट भी बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के। तो देखिए इसमें दिया गया है, इतने सारे ट्रांजिशन इफेक्ट हैं, जितने स्क्रॉल करोगे आपके अलग अलग ऐड होते जाएंगे, बस आपको एक बार डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो जिस पे भी चाहिए उस पे डबल क्लिक करके पहले डाउनलोड कर लो, ताकि मैं बता सकूँ, ताकि आप उसको यूज कर सको। बस वन टाइम डाउनलोड करना है, फिर उसको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हो। जैसे एक है पुल आउट, इस पर देखिए क्लिक करूँगा, ये इस तरीके से वर्क करता है, ये पुल इन है, ये ऐसे वर्क करेगा। तो देखिए बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ओवरले है, ब्लर है, बेसिक है, लाइट इफेक्ट है, तो अलग अलग टाइप्स के इधर भी हर एक के लिस्ट हैं। तो आपको जैसा चाहिए वैसा मतलब डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे ये लेफ्ट है, ये राइट है, जैसे ये देखिए ये फ्लोर लाइट है, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये ऐसे आएगा। इसको क्या करना है, इस तरीके से टैप करके ड्रैग करके यहाँ पे ला करके बीच में कट पार्ट जो है यहाँ पे बीच में ला करके छोड़ देना है। जैसे ही छोड़ोगे ये ऐड हो जाएगा, और इधर इसको पकड़ के आप चाहो तो इसके ट्रांजिशन इफेक्ट को बढ़ा भी सकते हो, या फिर घटा भी सकते हो, या फिर यहाँ पर ड्यूरेशन पर भी क्लिक करके इसको बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो, ठीक है। अब प्ले करूँगा तो देखना इस तरीके से ये हुआ, ठीक है। अब ट्रांजिशन इफेक्ट जहाँ पे भी लगाते हैं वहाँ पे भी साउंड इफेक्ट लगाया जाता है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे हम आएंगे ऑडियो में आएंगे, साउंड इफेक्ट हमारा ये था, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको कट कर देंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैमरा, ठीक है, मैं फिर से लिखूँगा कैमरा, एंटर प्रेस करूँगा, क्योंकि ट्रांजिशन के लिए कैमरे टाइप के जो कैमरा का जो शटर साउंड होता है ना, उसका ट्रांजिशन इफेक्ट में बहुत ही अच्छा इफेक्ट लगता है। जैसे ये है, ठीक है, या फिर ये है, ठीक है, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा, पता है आपको ड्रैग करके इधर नीचे की तरफ लाना है, ठीक है, नीचे की तरफ। पहले क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरीके से कर लूँगा और इसको मैं इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ पे लाऊँगा, छोड़ दिया मैंने। अब देखिए अब इसी वीडियो को प्ले करूँगा तो आप देखना, ठीक है, तो ट्रांजिशन इफेक्ट इस तरीके से वर्क किया, तो कितना अच्छा लगा साउंड इफेक्ट के साथ। इसी तरीके से हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, वीडियो को जैसे मैंने प्ले किया है, वीडियो हमारी आगे की तरफ चल रही है, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी आपकी वीडियो कट हुई रहती है वहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, ट्रांजिशन में आएंगे, ठीक है, कोई भी मुझे ट्रांजिशन इफेक्ट, जैसे ये है, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर ला करके बीच में छोड़ दूँगा, लग गया, प्ले करूँगा तो देखना आप, ठीक है, ट्रांजिशन इफेक्ट आया। तो हर जगह आप ट्रांजिशन इफेक्ट अपने तरीके से ऐड कर सकते हो, समझ में आ गई बात। जहाँ भी वीडियो कट रहेगी वहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट आप लगा देना, ठीक है। तो ट्रांजिशन इफेक्ट हमने लगा लिया,
उसके बाद एक और ऑप्शन मिलेगा आपको फिल्टर का, फिल्टर पे मैंने क्लिक किया है, ठीक है। फिल्टर पे जब क्लिक करूँगा तो मान लीजिए कि कोई भी वीडियो आप बना रहे हैं उसका कलर अच्छा नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं आ रही हैं, तो उसके लिए है। और फिल्टर्स में भी यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, लाइफ है, सीनरी है, मूवीज है, इसमें मैं मूवीज पे आ गया, ठीक है। इसमें बहुत टाइप के अलग अलग फिल्टर्स होंगे, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा डाउनलोड हो जाएगा, डबल क्लिक करूँगा डाउनलोड हो जाएगा। तो इसमें से मुझे कोई भी अगर चाहिए तो उस पर डबल क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। और उसको मैं क्या करूँगा, अपनी वीडियो पे अप्लाई करूँगा, समझ में आ गई बात। जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो, अगर ज़रूरत नहीं है फिल्टर्स आप मत लगाना, लेकिन हाँ जहाँ पे नीड है तो फिल्टर्स आप ज़रूर अप्लाई करना। जैसे एक ये है वन डे, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये वीडियो का कलर देखना कैसा हो जाएगा, ग्रीन ऑरेंज पे क्लिक किया तो ये वीडियो ऐसा हो गया, हाई सेचुरेशन पे क्लिक करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। तो बहुत सारे हैं, मोनो है, रेट्रो है, रेट्रो में करोगे तो ये शायद ब्लैक एंड वाइट टाइप के इफेक्ट्स फिल्टर्स हमें देगा ये, ठीक है। जैसे फिल्म है, ठीक है। अब मान लो कि ये जो फिल्टर है मुझे चाहिए अपनी हर वीडियो पे, अपनी पूरी वीडियो पे, या फिर थोड़ा सा चाहिए तो देखिए इसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके हम यहाँ पे ला करके छोड़ देंगे, यहाँ पे ला करके हमने छोड़ दिया। अब प्ले करेंगे तो ये इफेक्ट इतनी दूर तक रहेगा, उसके बाद ये इफेक्ट नहीं दिखेगा, नॉर्मल हो जाएगी हमारी वीडियो। लेकिन यही इफेक्ट हमें पूरी वीडियो में चाहिए तो इसको क्या करेंगे, जैसे इसको लाए हम, इसको ड्रैग करके खींच कर लाएंगे और यहाँ पे इस वीडियो के ऊपर छोड़ देंगे तो हो गया क्या, यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ फिल्टर एडेड, मतलब पूरी वीडियो है, इस पूरी वीडियो पे ये फिल्टर ऐड हो गया, समझ में आ गई बात। तो ये मैंने बेसिक स्टेप्स बताए, इसके और भी एडवांस लेवल के भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ इस वीडियो इस चैनल पे मैं आपको बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करना। तो ये सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको आपको बताता हूँ वीडियो को स्टार्टिंग पॉइंट पे मैं लाता हूँ, ठीक है। अब वीडियो को जैसे मैंने प्ले किया, हमारी वीडियो में कट वगैरह किया था हमने, साउंड इफेक्ट लगाया था, जैसे नाम लिखा था मैंने, टेक्स्ट लिखा था, वो सब कुछ एज इट इज आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे भी ट्रांजिशन वगैरह लगाया होगा सब कुछ उस तरीके से वर्क कर रहा है, सब्सक्राइब का बटन हमने लगाया था, ठीक है। उसके बाद एक इमेज हमने ऐड की थी साउंड इफेक्ट के साथ, वो भी आया, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से पूरी वीडियो को अच्छे तरह से एडिट कर लेनी है। अब जब एडिटिंग मान लीजिए कंप्लीट हो जाए तो ऊपर देखना है यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर एक बार क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइटल में अपनी वीडियो का नाम लिख देना, ठीक है। यहाँ पे जो भी वीडियो है उसका नाम लिख देना, उसके बाद नीचे आना, यहाँ पे क्लिक करना, रिजोल्यूशन पे क्लिक करना, 1080 है, 2K है, 4K है, तो डिपेंड करता है कि आपके लैपटॉप कंप्यूटर में कितना स्पेस है उसमें एक्सपोर्ट कर लेना, 4K मर्जी हो तो कर लेना, मैं 1080 ही रखूँगा। और यहाँ पे बीट रेट है, रिकमेंडेड भी रख सकते हो और अपने अकॉर्डिंग भी चुन सकते हो, या फिर हायर भी रख सकते हो, ठीक है। देन कोडेक जो है यही रखना है, H.264 यही रखना है आपको, ठीक है। फॉर्मेट MP4, फ्रेम रेट 30 रखना है, ठीक है। और बीट रेट हायर रख सकते हो या फिर रिकमेंडेड रखोगे बेहतर रहेगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ जब आप कर लोगे तो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आओगे, ठीक है। अगर आप चाहिए चाहो तो ऑडियो में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, जीप में भी। एक्सपोर्ट का बटन है, इस पर क्लिक करना है, आपको साइज इस्टीमेट साइज भी दिखेगा, ड्यूरेशन कितना है, साइज कितना है, देन एक्सपोर्ट पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपकी वीडियो देखिए एक्सपोर्ट होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे ये दिख रहा है जनरेटिंग, ये 0% है, ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू में आपको सब कुछ दिखेगा, अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पे पॉज भी कर सकते हो, यहाँ पे मैंने पॉज कर दिया, फिर भी हमारी वीडियो यहाँ पे जनरेट हो रही है। अब जब 100% जब हो जाएगा तो आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप चाहो तो यहीं से YouTube पे साइन अप करके अपलोड कर सकते हो या फिर अपने फाइल में से अपलोड कर सकते हो। तो ये था कैपकट का बेसिक फुल ट्यूटोरियल, जिसके थ्रू आप कैपकट को इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना, अपने कंप्यूटर में सब कुछ सीख सको। तो वीडियो पसंद आई, जो भी मैंने बातें बताएं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चंस कोई भी बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट पार्ट में भी इससे भी बेहतरीन वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए 100% होकर के हमारी वीडियो पूरी तरीके से एक्सपोर्ट हो गई, तो एक्सपोर्ट हो गई तो यहाँ पे दिखेगा आपको ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर पे एक बार आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जब ओपन फोल्डर पे क्लिक करोगे तो जो वीडियो हमने अभी एडिट करी, एक्सपोर्ट करी, सब कुछ क्या था, वो वीडियो आपके कंप्यूटर में कहाँ पे आई है बन करके, वो आपको दिखेगा। तो देखिए ये रही हमारी वीडियो, अब इसको प्ले करके दिखाता हूँ कि इसमें वाटरमार्क भी है या नहीं, प्रूफ के साथ डबल क्लिक किया मैंने। देखिए ये वीडियो हमने एडिट करी थी, यहाँ पर निशांत वन मेरा चैनल का नाम लिखा हुआ है। अब इस वीडियो के किसी भी कॉर्नर में आप चेक करोगे कहीं भी वाटरमार्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि हर एक चीज़ परफेक्ट वे में हमने कर ली है, समझ में आ गई बात। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को जरूर लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और VN एडिटर अगर आप सीखना चाहते हो तो उसका कोर्स मैंने लॉन्च किया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।